हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे आईटी सेक्टर की एक पेनी स्टॉक के बारे में जिसके ऊपर बड़ा अपडेट है, बड़ी न्यूज़ है, जिसके कारण कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट आने वाले दिनों में बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। ये कंपनी पेमेंट गेटवेज, ई कॉमर्स के साइट्स का काम करती है, जियो मार्ट का भी काम भी इनके पास ही है। ओवरऑल फंडामेंटली साउंड है, डेट फ्री कंपनी है, जो कि आपका अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया हो तो आप बाय कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी अच्छे खासे रेट में मिल रहा है। इसका फ्राइडे का क्लोजिंग था 15 रुपीज़ और 52 भी खाए था 30 रुपीज़। इसका पी है 48 का और ईपीएस है 0.32 का। डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ 0। कंपनी पे एक पैसे का भी डेट नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग है 31%, एफआईआई का होल्डिंग है 7% एंड डीआई का होल्डिंग है 0.04%। बात करेंगे प्रॉफिट की तो मार्च 21 में इसका प्रॉफिट था 32 करोड़, दिसंबर 21 में प्रॉफिट था 25 करोड़ एंड मार्च 22 में प्रॉफिट आया है 29 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर थोड़ा घटा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी खासी इसमें जंप देखने को मिली है। फ्रेंड्स, कंपनी जो है, कंपनी का नाम है इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड कंपनी का नाम है। ये कंपनी ने अभी डिक्लेयर किया है कि वो ऑस्ट्रेलिया के डिजिटल पेमेंट मार्केट में एंट्री करने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में वो लोग अभी एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी ऑनलाइन ही पेमेंट ज़्यादा यूज़ होता है ऑफलाइन से, तो उसका मार्केट पोटेंशियल देखते हुए इन्फीबीम एवेन्यूज़ ने डिसाइड किया है ऑस्ट्रेलिया मार्केट में जो ऑस्ट्रेलियन डिजिटल पे आउट सिस्टम है उसके अंदर एंट्री करने जा रहा है। और इसका सीसी एवेन्यू टैप पे नाम से वो लोग एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, जैसे अपने यहाँ पे रुपए या बाकी जो होते हैं पेटीएम होता है, वैसे ही सीसी एवेन्यू टैप पे नाम से वो पीओएस सिस्टम के लिए टचलेस जो होता है पेमेंट सिस्टम उसको अभी लॉन्च कर रहे हैं। और उनके सीईओ ने डिक्लेयर किया है कि हमें आशा है कि आने वाले दिनों में हम लोग ऑस्ट्रेलिया का 5% मार्केट शेयर कैप्चर कर लेंगे, तो इससे इस कंपनी के रेवेन्यू में और प्रॉफिट में हमें आने वाले क्वार्टर्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है इस कंपनी के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो मार्केट के गिरावट में सभी शेयर्स काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं। 14 रुपीज़ के आसपास से शेयर मिल जाए तो आप थोड़ा थोड़ा बाय करके चल सकते हो। अभी मार्केट में आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा पिट रहे हैं, उसका फ़ायदा लेकर ये शेयर अगर आप एक साल के लिए होल्ड करते हो तो 1 ईयर में यही शेयर आपको 30 रुपीज़ से 45 रुपीज़ के लेवल दिखा सकता है, जो कि अभी आपको मिल जाएगा 13-14 रुपीज़ में। तो थोड़ा थोड़ा बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से ऐड करते जाइए और होल्ड कीजिए, जो कि आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर टू 1.5 ईयर। तो इस कंपनी के बारे में स्टडी करके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।